अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम सैयद अली। दिस इज अ मॉक टेस्ट ऑप्शन इन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटेड टू लॉगरिथम एंड योर कांसेप्ट शुड बी क्लियर अबाउट लॉगरिथम। लॉग ऑफ 144 टू द बेस एक्स इज 2। इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्स पावर 2 ये पावर हो जाएगा इज इक्वल 144। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 144 इज स्क्वायर ऑफ 12। 144 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जब पावर आपस में इक्वल हो जाए तो बेस भी इक्वल हो जाते हैं। इट मींस वैल्यू ऑफ एक्स इज 12। एक्स का जो वैल्यू है वो 12 है। सेकेंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवरेज। लेट्स सॉल्व इट। एवरेज ऑफ टू नंबर्स 2p+q एंड 2p-q, जो नंबर्स गिवन होते हैं उसको सम करते हैं। पर दूसरा ये है, इसको सम करेंगे 2p+q 2p-q। कितने नंबर से? दो। एक ये नंबर से, दूसरा ये, इसको दो से डिवाइड करेंगे। 2p+q (+(2p+-q)) / 2 बोथ आर पॉजिटिव। 4p, दिस प्लस पी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इट विल बी कैंसिल। 2 1 times 2 2 times 2p इज करेक्ट आंसर। 2p इज करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट m इज इक्वल 2 4 6 8। दिस इज अ सेट एंड इट हैज कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। फाइंडिंग नंबर ऑफ सबसेट इज फार्मूला 2n। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 4। जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करता है, कितने एलिमेंट्स है? 4 है। 2 पे जो पावर आएगा वो भी 4 आएगा। इट मींस जो 2 है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 टाइम्स फिर मल्टीप्लाई गए 8 2 टाइम्स 16। जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो 16 हो गए। नंबर ऑफ सबसेट 16 हो गए, इसमें 15 जो है प्रॉपर हो गए और 1 सेट जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हाँ, क्वेश्चंस में ये पूछा गया है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो कितने हो गए, वो 15 हो गए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो। इफ यू वांट ज्वाइन आवर क्लासेस बाय व्हाट्सएप, वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय व्हाट्सएप एंड फीस ऑफ क्लासेस इज ओनली 1500 रुपीज। यू कैन पे योर फीस बाय द पैसेंजर कैश आर बैंक अकाउंट। We provide recorded lectures by WhatsApp and we also provide mock test notes and past papers. If you have any questions regarding this, you can contact with us through WhatsApp. This is our official number 0340270724. This is my official number. Second questions, this questions is very important questions. नहीं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सम करेंगे क्योंकि ये हमारा राउंड ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 3 + 2 = 5। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को पहले सॉल्व करेंगे। इज इक्वल 10 में से हम ऐड करेंगे 4, इज इक्वल 14। दूसरी बात ये भी है, डिवाइडेड बाय 2 जो ये रिजल्ट है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। देखिए 7 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 2x-3y = -6, 6x-y = 12। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज सिंपल है। दिस इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा टाइम कम ज्यादा ना लगे। कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करो, 2 times 5 = 10 एंड उसमें सॉल्व करेंगे 3 times 5 = 15। 6 नहीं आएगा। 1 2 times 2 = 3 4 times 12, ये वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को।
थ्री टाइम्स टू, थ्री टाइम्स टू इसमें माइनस करेंगे, थ्री टाइम्स फोर ये कितना आएगा, सिक्स, ट्वेल्व, यहाँ पे माइनस सिक्स आ गया। ये फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये प्रॉब्लम है। मीन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सिक्स, एक्स का वैल्यू सिक्स, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है, थ्री, ये माइनस वाई, वाई का कितना वैल्यू है, फोर। सिक्स टाइम थ्री एटीन, माइनस फोर इज इक्वल ट्वेल्व। दिस वैल्यू इज सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, सो इट इज करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड राउंड अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड स्क्वायर रूट आर लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर्स लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर रहा है वो कमेंट करें मुझे। 20% ऑफ 800 इज इक्वल टू 20%, इट मीन्स 20/100। ये जो आप ये प्रोडक्ट है इंटू 800, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, जीरो जीरो खत्म हो गए, यहाँ पे एट है और ये खत्म हो गया, यहाँ एक ही बचा। एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टाइम्स एट सिक्सटीन, और ये जो जीरो है यहाँ पे 160 जो आप है, ये ऑप्शन सी में नहीं है, ये ऑप्शन डी में है, 160 डी ऑप्शन।